आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं अपने साथ दुबई की जर्नी पर। फर्स्ट डे आबू धाबी विजिट किया, हम फरारी वर्ल्ड गए थे। बाय रोड जर्नी हमने करी फ्रॉम दुबई टू आबू धाबी, टुक अबाउट 90 मिनट्स। बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है लास्ट एग्जिट। ये एक जंक यार्ड टाइप जगह लगती है, बट इट्स अ वेरी यूनिकली मेड प्लेस जिसमें आपको सारा जंक मिलता है, गाड़ियाँ, टायर्स, पुराने मॉडल की गाड़ियाँ, टूटी हुई चीज़ें, बट इट्स अ रेस्टोरेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बाहर वैन्स हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। वॉशरूम के बाहर लिखा है एंटर एट योर ओन रिस्क। यहाँ वॉश बेसिन के नीचे एक एक्सेलरेटर लगा हुआ है जिसे आप प्रेस करते हैं तो नलके में पानी आता है। और ये हेडलाइट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि गाड़ियों की हेडलाइट लगी हुई थी लाइट्स की जगह। ये ट्रक्स मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में, माइनिंग में होते हैं। ये टीवी सेट्स पुराने स्टाइल के। एंड देन देयर वाज द टाइम व्हेन वी रीच्ड फरारी वर्ल्ड। मैं पहली बार गया था विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फरारी वर्ल्ड अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको फरारी के बारे में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी राइड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक भी नहीं करी। हमारे ब्रदर इन लॉ हैं जो दुबई रहते हैं, तो वो हमें लेके गए थे सारी जगह पर। जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जब आप देखते हैं किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आप और ये फरारी का कोई कॉन्सेप्ट मॉडल है, मोन्ज़ा SP1। इंटरेस्टिंग मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हैं, 175 dirhams चार्ज करते हैं वो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये। ये गैलरी है, जब मैंने पिछली बार किसी और वीडियो में देखी थी तो यहाँ पे और गाड़ियाँ थी, लेकिन अभी इस टाइम पे सारी F1 ही थी वहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, प्रॉबेबली डिफरेंट ईयर्स के मॉडल्स हैं। मैंने F1 गाड़ियाँ कभी इतनी क्लोज नहीं देखी, सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लुकिंग देम सो क्लोज। मुझे मालूम नहीं है कि असली गाड़ियाँ हैं और या सिर्फ डमीज हैं। मेरे बेटे को बहुत शौक है इन चीज़ों का। फॉर्मूला रोसा वहाँ की सबसे फास्टेस्ट राइड है, तो मैंने देखी थी लेकिन करी नहीं। कहते हैं इसका पिकअप जो है वो बहुत फास्ट है, एंड इट गोज़ अप टू 240 इन द फर्स्ट 5 seconds। जी फोर्स कितनी लगती होगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। As you can see, my son is very interested in F1 cars or any model of cars for that matter. ये शायद लेटेस्ट वाली F1 है और probably very close to it. एक revealing shot मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फरारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं दो, जिनको आप राइड कर सकते हैं, जो आपको ड्राइविंग के लिए भी मिलती हैं, और अगर आप एज ए पैसेंजर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अराउंड 475 या 500 dirham पर पर्सन है, प्लस एडिशनल पर्सन का वो 125 चार्ज करते हैं। सो इट वाज कॉस्टिंग अबाउट 800 rupees इफ़ यू जस्ट वांटेड टू टेक अ 20-minute राइड, और अगर आप शायद वहाँ के लोकल हों तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस दुबई चलते हैं। यहाँ की रोड्स और यहाँ का ट्रैफिक मुझे इतना अच्छा लगता है कि डेली वापस आके मुझसे गाड़ी नहीं चल रही। रोल्स रॉयस, फोर्ड मस्टैंग, डॉज चार्जर, हमर, फरारीज, लैम्बोर्गिनीज, ये सब आपको रोड पे बड़ी कॉमनली नजर आती हैं वहां पे। और बुर्ज खलीफा बादलों के बीच में से जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनिमेशन में से कोई, या कोई स्पेसशिप है। और आप दुबई जाएं और मॉल्स की बात ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, आपको जो ब्रांड चाहिए दुबई मॉल में मोर और लेस सभी मिलता है। फिर बीच में ही बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग जगहें हैं। ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये एक्चुअली में कोई लड़की बैठी है, बट कुछ देर तक मैं देखता रहा तो एंड व्हेन आई केम द नेक्स्ट डे इट वाज नॉट रियल। शोरूम्स भी इतने एक्सक्विजिट, इतने सुंदर। दुबई आइस रिंक, वो मूवी है हैप्पी न्यू ईयर, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। मैंने तो ऑब्वियसली ये नहीं किया।
योगर्ट लैंड में आप अपनी पसंद का योगर्ट मिक्स करके खा सकते हैं, और आप वंस यू आर रेडी देन दे वे व्हाट यू मेड, उसका वेट करते हैं और फिर उसको आपको चार्ज करते हैं। ये दुबई मॉल के बीच में जगह है जो मेरे को बहुत सिल्वर सर्फर से इंस्पायर्ड लगी। मुझे नहीं पता वो मूवी पहले आई थी कि ये मॉल पहले बना था। दुबई मॉल के बीच में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश वहाँ पे नज़र आती हैं। बीच में आप जा भी सकते हैं इसके बीच में, वो थोड़ा सा पानी के अंदर भी जाता है। हमने नहीं किया, हमने दूर से ही देखा। दुबई मॉल जब आप आते हैं तो आपको शॉपिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे। एक डायनासोर भी है वहाँ पे, पिछली बार जब मैं गया था तो ये मुझे नज़र नहीं आया था। दिस वॉज अनदर साइड ऑफ द मॉल, जैसे इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स इन द वर्ल्ड दुबई मॉल जो है, सो आप काफ़ी जगहें मिस भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी यू कैन फाइंड एवरी ब्रांड ओवर देयर। फ्यूचर म्यूजियम इस बार मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम सही, बिकॉज द टिकट्स वर सोल्ड आउट। इट्स अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, और मैंने अंदर से इसके व्लॉग्स देखे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है अंदर, लेकिन जाना हो नहीं पाया। और जब आप दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा के सामने जो फाउंटेन है वो शो आप मिस नहीं कर सकते। हमने भी देखा, कोई अरेबिक गाना था जिस पे ये चल रहा था उस दिन। वीडियो में और टीवी पे देखने में वो बात नहीं बनती जो आप एक्चुअली में वहाँ देखते हैं। इनफैक्ट जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे इसकी छींटे भी आ रही थी। एंड देन आई डोंट नो हाउ इज़ इट प्रोजेक्शन और LEDs ऑन द बुर्ज खलीफा, लेकिन ये जो विजुअल्स हैं ये भी बहुत सुंदर लगते हैं उस टाइम शाम को। इट्स एन एक्सक्विजिट बिल्डिंग, मतलब जब आप उसके सामने खड़े होते हैं आपका दिल करता है उसी को देखते रहें। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सरप्राइजिंगली वहाँ बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था। आई एम नॉट श्योर कि ये क्लाउड सीडिंग थी या एक्चुअल बारिश थी। तो हम बीच पर जा रहे थे तो रास्ते में बुर्ज अल अरब भी आया हमारे, जिसके साइड पे बीच पे ही हम गए थे। ये बीच का शॉट है, वहाँ पे ये फ्लैट्स हैं और इसके राइट नेक्स्ट टू इट एक बिल्डिंग बन रही है जो कि एक शिप लगती है, और उसके राइट बिहाइंड दैट इज़ द बुर्ज अल अरब। फिर टाइम था बीच से निकलने का, ऑब्वियसली आपको जूते साफ करने होते हैं, पैर साफ करने होते हैं। मेरी उबर में चॉपर राइड भी दिखा रहा था 520 to 650 dirhams में। सो आफ्टर दैट वी हैड अ प्लान टू गो टू एटलांटिस, तो वहाँ जाने के लिए हमने मोनोरेल का यूज़ किया था। नीचे ये सर्फिंग हो रही थी, बट मैंने ये देखी है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इसको क्या बोलते हैं। अटलांटिस के बाहर मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ला की टैक्सीज देखी हैं। दिस वॉज द व्यू फ्रॉम अटलांटिस, उसके फ्रंट गेट से जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। आइसक्रीम पार्लर है अंदर, वहाँ से हमने भी ऑब्वियसली जब जैसे सारे टूरिस्ट करते हैं हमने भी आइसक्रीम ली थी। Then there was the time to come back, move on to our next adventure. इसको एन दुबई बोलते हैं, just like दुबई आई चलता नहीं है, some technical reasons, I don't know. फिर हमने एक yacht किया था जो शाम को हमने थोड़ी देर 2 घंटे के लिए एक ride ली थी from दुबई Marina to बुर्ज अल अरब। मैंने पहले कभी क्रूज या कभी यॉट में बैठा नहीं हूँ। हमारे भाई साहब ने हमें बोला कि आप फ्रंट में बैठिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ऊपर बैठने की, डेक ऊपर जो डेक है उसमें बैठने की बजाय, तो हम आगे बैठे थे। हमारे भाई साहब बहुत एडवेंचरस हैं। ब्यूटीफुल व्यू,
यहाँ तक हम आए थे बुर्ज अल अरब को देखने, यहाँ से फिर हमने वापस टर्न किया था। शाम का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो रहा था। यू विल सी के यू नो ऑल द बिल्डिंग्स दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दुबई आर मोर लाइक यूनिक हैं बहुत। सिंस मेरे को फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है तो मैं कुछ शॉट्स भी उसी तरह ले रहा था। बाय द वे ऑल दिस व्लॉग हैज बीन मेड ऑन आईफोन 13 प्रो मैक्स विद अ गिम्बल ऑन इट। The night view. ये जेंटलमैन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हैंग ड्रम बोलते हैं। आई थिंक इट हैज अनदर नेम ऑल्सो, समबडी आई थिंक मेड इट इन यूरोप। वेरी इंटरेस्टिंग साउंड। ये एक ब्रिज है जिसमें खुलजा सिमसिम की तरह पानी खुल जाता है जब बीच में से बोट आती है, तब ग्रीन लाइट होती है, और फिर जब रेड होती है तब वो पानी वापस बंद होता है, एज यू कैन सी। तो इसमें मुझे अलीबाबा और 40 चोर मूवी का सीन याद आया जब वो बोलता है अबू हसन और वो के खुल जा सिमसिम, तो पानी ऐसे ही आता है और ऐसे ही बंद होता है। देन देयर वाज द टाइम टू गो टू दुबई फ्रेम। This whole area shows how Dubai has progressed in times or developments hui hain. ये एक जगह है दुबई फ्रेम में ऊपर जिसमें आप चलते हैं तो शीशे के ऊपर चलते हैं और नीचे देखते हैं। International hub for innovation and design. Then when you back, आप नीचे आ जाते हैं तो ये एक एरिया है जहां पे आप बीच में खड़े होकर उनकी फ्यूचर विजन देख सकते हैं। ये एक स्टोर है नीचे जहां पे आप इनकी Dubai frame से related चीजें ले सकते हैं। And that's Dubai frame in the night. Daylight में मैंने पिछली बार इसे शूट किया था तो द होल फ्रेम इज गोल्डन और ब्लू स्काई हो तो बहुत सुंदर वीडियो बनता है।